क्या हालचाल है सबके। सो गाइस, आज हम लोग एक और प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं। गाइस, मैंने बाय किया है मसल असैलम का वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। सो गाइस, इसको मैंने अमेजोन से 1200 रुपए में बाय किया है। जैसे कि गाइस, मार्केट या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन की मैं बात करूं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो गाइस प्रोडक्ट जो है बहुत ही ज्यादा महंगे हो चुके हैं। कोई भी आप प्रोटीन पाउडर या फिर मास्क के अंदर या कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हैं अपने लिए, तो गाइस उसके लिए काफी ज्यादा आपको पेड करना पड़ता है अमाउंट। तो गाइस, मतलब मेरे कहने का 1000 रुपए 1200 रुपए के अंदर बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो देखने को मिलेंगे, लेकिन श्योरिटी की बात नहीं है कि वो अच्छे होंगे बुरे होंगे, वो सब चीजें हमें यूज करने के बाद ही पता चलती है। तो गाइस, इसी तरह मैंने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया जिसकी कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बता दिया, 1 किलो की 1200 रुपए है मसल असैलम। तो गाइस, ये वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है और इसको चॉकलेटी फ्लेवर में मैंने इसको बाय कर लिया है। सो गाइस, इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में बात करूं तो गाइस देखिए, इस जो प्रोडक्ट की जो कंपनी है गाइस, ये एक इंडियन ब्रांड है जो दिल्ली में है, तो ये खुद ही उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और जो भी है इस प्रोडक्ट की डिटेल्स, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और गाइस, एक चीज मैं पहले बोल दूं कि इस प्रोडक्ट को मैं यूज करूंगा कुछ दिन, 10-15 दिन, और कैसा ये प्रोडक्ट है, मुझे कैसा सूटेबल हुआ है, वो सब एक्सपीरियंस आपको मैं बहुत जल्दी एक और वीडियो में दूंगा। और जब तक मैं इसको यूज कर रहा हूं, तब तक आप थोड़ा देर वेट कर लेना कि इसका मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा, इसका रिव्यू दूंगा आपको, कैसा प्रोडक्ट रहा मेरी जर्नी के अंदर, कैसा क्या इसको यूज करना चाहिए हर किसी को। अगर मैं वीडियो नहीं भी बना पाया तो इंस्टाग्राम पे एक मैसेज कर लेना यार, उसके इसके बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल्स दे दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूं इस प्रोडक्ट के बारे में, तो गाइस यहां पे इंग्रेडिएंट्स के बारे में सबसे पहले बात करना चाहता हूं। तो गाइस, यहां पे जो इंग्रेडिएंट्स गाइस यहां पे यूज किए गए, गाइस वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ब्लेंड है, मतलब इसके अंदर आपको 70% जो है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट मिलेगा, दूसरा थोड़ा सा आपको इसके अंदर आइसोलेट भी मिक्स मिलेगा, बट इतना नहीं है गाइस, आइसोलेट बस थोड़ा सा ही है, मतलब ना के बराबर ही मैं बोलूंगा। तो लेकिन ये ब्लेंड है, दो तरह के प्रोटीन इसके अंदर ऐड किया है, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, बट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के बारे में यहां पे बताया नहीं गया कि कौन से डाइजेस्टिंग एंजाइम्स यहां पे ऐड किए गए हैं। तो गाइस, यहां पे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और गाइस यहाँ पे INS 415, मतलब ये एक थिकनर होता है जो हमारा जो किसी भी प्रोटीन पाउडर जो होते हैं ना, उनकी प्रॉपर मिक्सिबिलिटी के लिए, उसके अंदर क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए ये सब चीजें, मतलब जो थिकनर है यूज किया जाता है, ताकि उसको अच्छी तरह से उसको अंदर प्रॉपर तरह से मिक्स हो सके। सॉरी यार, मेरी हिंदी का थोड़ा सा लोचा है यार, समझ लेना, ठीक है। तो गाइस, प्रॉपर मिक्सिबिलिटी के लिए ये सब चीजें यूज किए, बट थिकनर यहाँ पे किसी लेसिथिन जो है यहाँ पे कहीं पे बताया नहीं गया कि कौन सा लेसिथिन इस प्रोडक्ट के अंदर यूज किया गया है, क्योंकि कुछ चीजें जो है डिटेल इस प्रोडक्ट के अंदर मिसिंग है, मतलब उनके बारे में बताया नहीं गया है कि कितने और कैसे और कौन सी तरीके से यूज किया गया। लाइक जैसे अगर मैं फिल्ट्रेशन की मैं बात करूं, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी मेंशन नहीं है कि कौन से तरीके से ये फिल्ट्रेशन किया गया है। बट ये प्रोडक्ट इस सब चीजों को मैं अगर साइड में कर दूं, तो बाकी अगर मैं इसके एक स्कूप की मैं बात करूं, तो यहाँ पे गाइस 29 सर्विंग है टोटल इस प्रोडक्ट के अंदर। तो इसका जो एक स्कूप का साइज है वो गाइस 34 ग्राम है, जिसके अंदर हमें जो एनर्जी है गाइस वो पर सर्विंग 120 है, प्रोटीन जो है गाइस 23.88 तक है, मतलब 24 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिलता है एक सर्विंग के अंदर। कार्बोहाइड्रेट 4 ग्राम तक है, शुगर यहाँ पे जीरो है, जो अच्छी बात है कि शुगर यहाँ पे जीरो है, बट अगर जो आपको शुगर का थोड़ा सा भी इशू है, तो मैं गाइस किसी को भी प्रोडक्ट ऐसा सजेस्ट नहीं करता, चाहे उसके अंदर जीरो ही हो, बट आप अनफ्लेवर ले सकते हो उसके लिए ज्यादा अच्छा, अगर आपको ये शुगर का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप आके बंद करके यूज कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है कोई भी। तो बाकी गाइस, इसके अंदर जो है डाइजेस्टिंग एंजाइम 68 कुछ लिखा हुआ है, और जो अमीनो एसिड की प्रोफाइल है वो भी यहाँ पे बताई तो गई है, बट यहाँ पे एक सर्विंग के अंदर कितने अमीनो एसिड्स आपको मिलते हैं वो यहाँ पे मतलब नहीं बताया गया। एसेंशियल अमीनो एसिड में यहाँ पे बात करने वाला कर रहा हूं, तो वो यहाँ पे आपको मैं श्योर मतलब क्लियर नहीं कर सकता कि एक सर्विंग हमने स्कूप लिया उसके अंदर हमें कितने अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको इसके अंदर डिटेल्स देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे एक डिटेल्स तो दी हुई है, बट वो कितने ग्राम में है वो यहाँ पे बताना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा क्या बहुत मुश्किल है यार। तो ठीक है, चलो वैसे तो मैं यूज करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसा प्रोडक्ट है ये। अगर आपको लेना है तो आप मुझको एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना यार कि ये कैसा रहा, ये मेरे केस में कैसा रहा, ठीक है। तो गाइस देखिए, बाकी इसकी डिटेल्स जो है ऑलमोस्ट जितनी भी है मैंने आपको शेयर कर दी है, काफी अच्छी है, ना ज्यादा बुरी बोलूंगा ना बहुत ही अच्छी बोलूंगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें है यहाँ पे मेंशन कर देते तो ज्यादा अच्छा है, बट 1200 रुपए के अंदर एक फ्लेवर वाला प्रोडक्ट लाना बड़ा मुश्किल है यार अभी के टाइम में, क्योंकि बहुत ज्यादा रेट है सभी प्रोडक्ट का, और ये लोग 1200 रुपए में इतना दे रहे हैं
होप कि ये प्रोडक्ट अच्छा निकले और अपना अच्छी तरह से वर्क करे। गाइज मैंने अभी तक कोई इसका लैब टेस्ट नहीं करवाया, बट मैं उसको यूज करूंगा और फिर बताऊंगा, क्योंकि गाइज जो लैब रिपोर्ट है, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो मेरे भाई लैब रिपोर्ट दिखाते हैं उसमें से कुछ अच्छे भी होते हैं, जो कुछ बुरे भी होते हैं, तो हम किसी के ऊपर ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि यार उसने बताया था कि ऐसा है। खुद यूज करो यार, खुद पता चलेगा, खुद की लैब टेस्ट करो और उसके बाद ही आप मतलब बना, क्योंकि यार आजकल ऐसा जमाना है कि कोई भी लैब रिपोर्ट उठा के किसी को भी दिखा देता है यार ये इसके अंदर इतना है। ठीक है, हम किसी प्रोडक्ट को बुरा नहीं बोल रहे, बट अगर आप खुद से अपने हाथों से अपने खुद उसको चेक करके देखेंगे तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं भी झूठ बोल सकता हूँ कि गाइस मैंने रिपोर्ट टेस्ट की और मेरे को इसमें कम आया या ज्यादा आया, तो एक मतलब नहीं होता। बट मैं इसको यूज करूंगा जो सही लगेगा मेरे को इस प्रोडक्ट को, क्योंकि इतने सालों से हमने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं और इतना तो पता चल जाता है यार कौन अच्छा है, अच्छा यूज कवर कर रहा है, कौन सा अच्छा यूज नहीं, मतलब वर्क अच्छे तरह से कर रहा है, तो वो सब चीजें समझ में आ जाती है जब आप किसी चीज के अंदर घुस जाते हैं, जब उसका आपको एक्सपीरियंस होता है, तो उस केस में ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है। वो सब मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी कर देता हूँ यार, सॉरी भाई, अपन कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो जो मुंह में निकलता है मैं बोल देता हूँ आपके सामने, तो थोड़ा सा अगर अच्छा ना लगे तो स्किप कर देना। तो गाइस देखिए इस प्रोडक्ट के बारे में, जब मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर जो थिकनर है, जैसे इसके अंदर जो लेसिथिन है वगैरह, उसकी भी डिटेल थोड़ी सी दे देते हैं कौन से लेसिथिन यूज किया गया है, और दूसरी चीज थी इसके अंदर फिल्ट्रेशन के बारे में नहीं बताया गया, वो भी बहुत सारी कंपनियां नहीं बताती, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन किया गया है, तो वो भी एक चीज नहीं है यहाँ पे। बाकी अमीनो एसिड की भी एक थोड़ा सा डिटेल्स दे देते कि यार एक स्कूप के अंदर इतना आपको BCA मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात होती। ये तीन चीजें हैं मेरे हिसाब से कंपनी को थोड़ी सी ध्यान से रखनी होती, तो मेरे को लग रहा है एकदम लोगों को क्लियर नॉलेज मिल जाती है यार, किसी को कोई भी उठा के प्रोडक्ट देखता भाई ठीक है हाँ ये डिटेल्स है, उसके बाद यूज करके देखते हैं कैसा है। तो ये डिटेल्स है जो चीजें हैं, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट है जो आपको कंपनी को शायद वीडियो देखेंगे तो शायद समझेंगे या नहीं, तो उनके ऊपर है। चलो हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, देखेंगे कैसा प्रोडक्ट है। चलिए इसकी सबसे अच्छी चीज जो है वो है इसका फ्लेवर, मुझे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है और इसकी मिक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी है। चलो हम पहले प्रैक्टिकली चेक करते हैं, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। सो गाइस चलिए इसको फटाक से खोलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो गाइस पैकिंग इसकी खोली है मैंने, अब ढूंढ लेते हैं हमारा स्कूप। तो ये है स्कूप इसका, काफी बड़े साइज का स्कूप लग रहा है। तो इस टैब में स्कूप आता है, इसके ऊपर कुछ मार्किंग वगैरह कुछ नहीं देखने को मिली मुझे, तो चलिए इसको हम कर देते हैं साइड में और कर लेते हैं हमारा पाउडर लोड हमारी बोतल के अंदर। सो थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है मैंने और अब थोड़ा सा शेक कर लेते हैं कुछ 30 सेकंड के आसपास। अच्छी तरह से शेक कर लिया मैंने और देख लेते हैं इसका जादू कि कैसा है इसका जादू, मतलब किस तरह से मिक्सिबिलिटी हुई है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मिक्स बहुत ही अच्छी तरह से हो गया, कहीं से भी लम्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहे मुझे, तो मिक्सिबिलिटी में कुछ इशू नहीं लगा मुझे, तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा आप जब अच्छी तरह से शेक कर देंगे इसको। गाइस मिक्सिबिलिटी में मैं यही बोलूंगा कि बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया, कहीं पे भी लम्स वगैरह मेरे को देखने को नहीं मिले, तो ये तो कह सकता हूँ कि मैं मिक्सिबिलिटी ओके है इसकी। अब रही टेस्ट की बात, तो वो भी टेस्ट कर लेता हूँ मैं। गर्मी का सीजन है ना, बहुत ज्यादा गर्मी भी आती है, मुंह साफ कर लेता हूं। सॉरी ये फालतू की बकवास बंद करता हूं, मेन पॉइंट पे आता हूं। सो गाइस देखिए टेस्ट के मामले में मैं यही बोलूंगा कि इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगा मुझे, पर ठीक है यार, मतलब 50-50 बोलूंगा मैं, ना ज्यादा बुरा है ना ज्यादा अच्छा है। 1200 रुपए में यार हम लोग इतना भी ज्यादा सोच नहीं सकते इस सब चीजों के बारे में। अगर हम लोग सोचेंगे कि यार 1200 रुपए में बहुत ही ज्यादा चीजें मिल जाए तो वो बहुत ही पॉसिबल नहीं है भाई, इम्पॉसिबल है हर किसी कंपनी के लिए, और कंपनियां भी यही चाहती कि उनको भी थोड़ा फायदा होना चाहिए। तो ये सब चीजों को अगर मैं साइड में कर दूं, ओवरऑल मैं इस प्रोडक्ट की मैं बारे में बात करूं, तो देखिए गाइस डिटेल्स के बारे में 2-4 नेगेटिव पॉइंट थे जो मेरे को लग रहा है, नेगेटिव मतलब यही कि वो चीजों के बारे में थोड़ा सा अगर ये बता देते तो अच्छा था, वो चीजें नहीं वहां पे हमें पैकेट के ऊपर देखने को मिली, वो चीजों को साइड में कर दूं तो बाकी की सभी चीजें इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे अच्छी लगी अभी तक।
बाकी रही इस प्रोडक्ट के बारे में कि इसका रिजल्ट कैसा रहेगा, इसको यूज करने के बाद ही पता चलेगा। और मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको एक और वीडियो दूंगा इस प्रोडक्ट की, कि ये प्रोडक्ट कैसा रहा मेरी जर्नी के अंदर। अगर आप में से कुछ लोग इसके बारे में थोड़ी सी भी डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा इस प्रोडक्ट के बारे में, क्या इसको बाय करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए। सो गाइस यही थी हमारी आज की ये वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर करने का तो वो आपके ऊपर डिपेंड है यार। चलो गाइस मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के अंदर।